क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के कमलनाथ सरकार आज जश्न में डूबी है और जश्न में डूबे ही चाहिए कहे कि झाबुआ के उपचुनाव जीता गया है, किंतु अपना को बता दी कि मध्य प्रदेश के किसानन के साथ छल करके कमलनाथ सरकार सत्ता में आसीन जरूर बै, किंतु किसान आज वह छल के दिन दिन पाई पाई के हिसाब कह रहा है और वह अपन जान के साथ या कर्ज के अदायगी कह रहा है। जो कर्ज के माफी के वादा कह के कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में सत्ता के कुर्सी और सत्ता के जो वनवास रहा 15 साल के खत्म तक कह ली, किंतु किसानन किसान जो है अपने आप का छला महसूस कह रहा है। हालात यह है कि मध्य प्रदेश के किसान अपने फसल से संतुष्ट नहीं आई, अपने फसलन के मुआवजा से संतुष्ट नहीं आई, अपने कर्ज के माफी से संतुष्ट नहीं आई और कमलनाथ सरकार केवल विकास के ढकोसला दिखा रही है। यह दर्द तब उठ के सामने आवत है जब किसान बेवजह फांसी के फंदा में झूल जात है। वह अन्नदाता जो दो वक्त के रोटी हमका अपना का मुहैया करावत है ओका कौ ऐसा व्यवस्था आ जाती कि वह फांसी के फंदा में झूले का मजबूर हो जाते हैं। जो हम आज के मुद्दा लेके आए हैं कि फांसी में झूल रहा किसान और जश्न मनाए रही कमलनाथ सरकार। जी हाँ, ठीक सुने कि फांसी के फंदा में झूल रहा किसान और जश्न मनाए रही कमलनाथ सरकार। अपना को बताया दी कि कमलनाथ सरकार जब मध्य प्रदेश में वचन पत्र लेके आई तो वहाँ पहल वचन यह रहा कि मध्य प्रदेश में सरकार बनता है 10 दिन के अंदर हम पूरा कर्ज किसानन के माफ कर देव, किंतु आज 9 महीना बीते के बाद कमलनाथ सरकार के किसान वह कर्ज माफी के चलते आज आत्महत्या कर रहे हैं। यह सरकारन का सोचे चाहिए एवं विचार करे चाहिए। जश्न फे मनामे जब किसान उनके साथ होए, जब किसान वह हिसाब से तैयार होए कि वह कहे कि कमलनाथ सरकार अपने वादन में खरी उतरी है। जो हम आज के मामला यह लेके आए हैं, यह मामला विंध्य क्षेत्र के है और दर्दनाक दुखद मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि जो अन्नदाता है आज तिल तिल मर रहा है और कमलनाथ सरकार जश्न में डूबी है। मामला है बीड़ा सिमरिया के। अपना को बताया दी कि अभी लगभग 15 दिन पहले एक घर में नोटिस आवत ही मध्यांचल ग्रामीण बैंक के, ओमा किसान से 2,25,000 कर्ज के अदायगी के बात की जाती। अपना को बताया दी कि यह घटना है सिमरिया थाना अंतर्गत पाटन निवासी वंशवती साहू, उम्र है इनकर 56 वर्ष, मध्यांचल बैंक बीड़ा से 2,25,000 रुपये के कर्ज के अदायगी के इनका नोटिस भेजी जाती। 15 दिन पहले यह नोटिस प्राप्त होती। जौनक लेके वो काफ़ी मानसिक प्रताड़ित रहें, पीड़ित रहें और एका जो यह कर्ज की सूचना रही अपने भाई परिजनन का दिन, भतीजन का दिन और कह रहे हैं कि लगातार उनका यह कर्ज के चलते मानसिक दबाव है, किंतु आज सुबह 6 बजे वंशपति साहू फांसी के फंदा में झूल गए। अपना को बताया दी कि यह कर्ज के मर्ज किसान कर्ज काहे लेते हैं। अपना को बताया दी यह किसान के जो कर्ज है, कर्ज ले के सिर्फ एक आधार होता है कि हम बेहतर फसल के उत्पादन करब और ओम अपने घर के पालन पोषण करब और कर्ज के अदायगी करब, किंतु जब फसल बेहतर नहीं आए तो वह किसान कर्ज कहाँ से दे। ऐसे सरकार गंभीर हो चाहिए और सरकार के वादा गंभीर हो चाहिए। हम भाजपा कांग्रेस के बात नहीं करी कि भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगावत ही और कांग्रेस भाजपा पर, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे आई, किंतु कमलनाथ सरकार जो अपने वचन पत्र में पूरी तरीके से जवाबदारी के साथ, यहां तक कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कहा गया रहा कि यदि 10 दिन के अंदर कर्ज न माफ हुई तो हम मुख्यमंत्री बदल दे, तो मुख्यमंत्री बदले का तब पूरा मध्य प्रदेश नहीं कह रहा है, किंतु ये किसानन के दयनीय स्थिति पर जरूर कमलनाथ सरकार नजर डाले। कहे कि जश्न तब बादव मनावा जा सकते है, किंतु अन्नदाता न रही तो शायद यह देश न रही। बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चित तौर पर अपना सबसे अपील है कि यह खबर का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और एमा अपन राय अवश्य दी और यह खबर का इतना शेयर करी कि कमलनाथ सरकार के कुर्सी हिल जाए और वो का मजबूरन ये किसान ये अन्नदाता के आवाज़ सुने का पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।